हिंगनघाट पुलिस उप विभाग में बाल गुनेगारी तथा पास्को कायदा अंतर्गत घटित होने वाले अपराधों के बाबत जनजागृति करने पुलिस विभाग द्वारा शाले परिसर में जनजागृति पर मार्गदर्शन शिविर का शानदार आयोजन किया गया। इस उपक्रम अंतर्गत स्थानीय जीबी मोहता नगर परिषद स्कूल के अल्पवयीन छात्रों को जनजागृति पर मार्गदर्शन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रमुख उपस्थिति दिनेश कदम, प्राचार्य गंगाधर राव ढगे, एपीआई धनश्री कुटेमाटे इत्यादियों की थी। बाल गुनेगारी रोकने पॉस्को कायदा अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। कई बार कायदा की जानकारी के अभाव में अज्ञान से नाबालिग लड़कों छात्र द्वारा गलतियां होती है। हाल ही में इन नाबालिगों से बड़े गुना घटे, साथ ही लैंगिक गुना घटित होने की वारदातें सामने आई हैं। इन नाबालिगों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है, जिस वजह से वे कई बार खुद मामले में फंस जाते हैं, साथ ही मित्रों को भी मुसीबत में डालते हैं। उम्र के 18 वर्ष पूर्ण होने तक इन नाबालिगों को स्वनिर्णय का अधिकार नहीं होने पर कानून विरोधी निर्णय लेकर खुद के साथ अपने मित्रों को भी संकट में डालते हैं। इससे बचने का आह्वान उप विभागीय अधिकारी दिनेश कदम, एपीआई धनश्री कुटेमाटे ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों का शिक्षकों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम प्रस्ताविक प्राचार्य गंगाधर राव ढगे ने किया। कार्यक्रम के सफलतार्थ पुलिस विभाग के कर्मचारी रवि वर्मा, दीपक वानखेड़े, अश्विन सुखदेव और सभी स्कूल शिक्षकों ने सहयोग किया। हिंगनघाट से बीसीएन न्यूज के लिए कैमरामैन योगेश लखोटे के साथ रवि यनौरकर की रिपोर्ट।